हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। चले बेटा, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2। ओके, बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट द एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ओके, टुडे लेट वी विल डिस्कस अबाउट द टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स क्या है? ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, अंडरस्टैंड। दे ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर फॉर कंप्लीटिंग देयर सेक्सुअल लाइफ साइकिल, सेम एज ब्रायोफाइट्स। बट ब्रायोफाइट्स क्या है, पहले डिस्कवर्ड हुए थे, दैट्स वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट का जो है दर्जा दिया जाता है। दे हैविंग वैस्कुलर बंडल्स, इट मीन्स इनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, जिससे वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दे आर मेनली फाउंड एट द कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। ओके, ठंडी जगह पे मिलना स्टार्ट ज़्यादा पसंद करते हैं, सैडी प्लेसेस पे, डैम्प, यू नो कि थोड़ा मॉइस्ट प्लेस होना चाहिए, दलदली। डोमिनेंट फेज जो है लाइफ की, वो है स्पोरोफिटिक फेज। ओके, नियर वाटर बॉडीज मेनली मिलते हैं, क्योंकि इनको भी अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल जब कंप्लीट करनी है तो दे ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर। डोमिनेंट फेज है स्पोरोफिटिक, ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इनकी डोमिनेंट फेज है। इससे पहले हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स में क्या था, गैमेटोफिटिक जो स्टेज थी दैट इज डोमिनेंट फेज। यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज है, वो डोमिनेंट फेज है। ओके, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है एंड दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी है दैट इज डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स, दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अभी जो स्पोरोफाइट है इस पर स्पोरेंजिया मिलता है, स्पोरेंजिया दैट इज एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, जिसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। यानी आप कह सकते हो स्पोरेंजिया बियरिंग जो लीव्स होती हैं, दे आर नोन एज स्पोरोफिल्स। ओके, थोड़ा सा आप इधर देखना एक बार, समटाइम्स क्या होता है, जो स्पोरोफिल्स होती हैं दे आर असेंबल एंड दे अकुमुलेट टू फॉर्म ए कोन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्ट्रोबिलस। जैसे इसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम। ओके, इक्विसेटम में जो स्पोरोफिल्स हैं दे कंबाइंड, दे एक्सटेंडेड एंड दे कंप्लीटली जॉइंट कॉम्पैक्टली एंड दे आर फॉर्मिंग ए स्ट्रोबिलस या कोन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोबिलस या कोन किसकी जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो टेरिडोफाइट्स की है, ठीक है। यानी जो स्पोरोफिल होती है जिसमें स्पोरेंजिया होते हैं, अंडरस्टैंड, वो जब बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं तो वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई। अब ये स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द मियोसिस। क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स। ओके बेटा, क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स, अंडरस्टैंड, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोर्स क्या है, बिकॉज मियोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग, इनकॉन्स्पिक्यूअस। ओके, मल्टी सेल्यूलर, एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोथैलस। इज दैट क्लियर? यानी अब इसको अगर हम देखना चाहें यहाँ से, एक मिनट, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, देखें। यानी क्या होते हैं, स्पोरोफिल, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये स्पोर्स क्या करते हैं, प्रोथैलस को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोथैलस जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या होते हैं, स्पोरोफिल होती हैं, या स्ट्रोबिलाई या कौन भी कह सकते हो आप, इसमें स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया मियोटिक डिवीजन से स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये फ्री लिविंग होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, और आप कह सकते हो मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज गैमेटोफाइट, प्रोथैलस। इज दैट क्लियर? अभी जो गैमेटोफाइट है ये आपको पता है कहाँ पे होता है, डैम्प प्लेसेस पे होता है, नियर द वाटर बॉडीज होता है, बिकॉज इसको भी पानी की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये जो गैमेटोफाइट है, इसके प्रोथैलस, ये गैमेटोफाइट, इसके ऊपर क्या होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम बोलते हैं, आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम। ये आर्किगोनियम क्या करते हैं, फीमेल एग प्रोड्यूस करते हैं और ये एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं।
ओके जी वाटर बॉडीज के पास होते हैं, देन दे गेट फ्यूज्ड, ओके एंड व्हेन दे गेट फ्यूज्ड दे फॉर्म जायगोट, ओके दे आर फॉर्मिंग जायगोट. अब ये जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, समटाइम्स दीज गैमेट्स आर होमोस्पोरस एंड समटाइम्स दीज आर हेट्रोस्पोरस. मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें होमोस्पोरस होते हैं गैमेट्स, और जो कुछ स्लेजिनिला साल्विनिया इनमें माइक्रो और मैक्रो यानी माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर होते हैं, यानी वो हेट्रोस्पोरस हैं. इज दैट क्लियर बेटा? तो आई होप आपको समझ में आ गया. सबसे पहले स्पोरोफिल यानी जो स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स हैं, दे आर समटाइम्स फॉर्मिंग स्ट्रोबिलस और कोन. दे गिव राइज टू द स्पोरेंजिया और दे कंटेंड स्पोरेंजिया. दिस स्पोरेंजिया थ्रू मियोटिक डिवीजन दे प्रोड्यूस स्पोर्स. ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं दैट इज फ्री लिविंग, ओके शॉर्ट ड्यूरेशन, इनकॉन्सपिक्यूअस एंड मल्टी सेलुलर, दैट इज नोन एज गैमेटोफाइट. और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोथैलस. अब ये गैमेटोफाइट क्या है, शॉर्ट लिविंग है, ये किसके ऊपर रहता है, स्पोरोफाइट से ही अपना न्यूट्रिएंट लेता है. इज दैट क्लियर? इसीलिए इसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को माना जाता है. ओके उस गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम. आर्किगोनियम फीमेल एग को प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है. वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एंथ्रोजॉइड्स जो है स्विम करते हुए फीमेल एग के साथ फ्यूजन करते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग जायगोट. इज दैट क्लियर? और जायगोट फिर से स्पोरोफाइट को डेवलप करता है. अब इसमें इसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. जनरली आप एक स्टेम का स्ट्रक्चर देख सकते हो. स्लेजिलिया में क्या होता है, इनमें लीफ होती है माइक्रोफिल. माइक्रोफिल किसमें होते हैं, स्लेजिनेला में, ठीक है. माइक्रोफिल मतलब छोटी छोटी लीव्स होती हैं. स्लेजिनेला का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है डायग्राम बुक में, तो आप देख सकते हैं. और फर्न्स में मैक्रोफिल्स बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, उनको मैक्रोफिल बोलते हैं. अब ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है. इसके बाद एक जो खास इंपॉर्टेंट है वो है आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीड प्रीकर्सर हैबिट को डेवलप करते हैं. कहने का मतलब है, इससे पहले देखिए जो भी थे सीड का प्रोड्यूस प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, टेरिडोफाइट्स में भी नहीं हो रहा है एक तरह से, बट ये जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की जो सीड प्रोड्यूसिंग हैबिट है उसको एक तरह से क्या करता है, स्टार्टिंग एक स्टेज ये शो करता है, ठीक है. यानी इसमें होता क्या है, जो जायगोट है, जायगोट उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो के अंदर होता है. और वो कहाँ होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो के अंदर जायगोट की फॉर्मेशन होती है, या जायगोट लेटर ऑन एम्ब्रियो को फॉर्म करता है. क्लियर है? तो जायगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रहा है, यानी एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है. तो ये सीड प्रीकर्सर यानी सीड प्रिजर्वेशन की हैबिट को इन्हांस करता है, कि किस तरह से सीड फ्रूट के अंदर जो है वो प्रिजर्व रहते हैं. इसके बाद सोइल को बाइंड करता है. कुछ प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट की फॉर्म में भी यूज़ होते हैं. इज दैट क्लियर? कुछ प्लांट डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं. तो ये जनरली इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स. आई होप एवरीथिंग क्लियर टू यू. हैव ए गुड डे.